नबूवत का ऐलान फरमाया। आलम यह था कि शुरू में तबलीगी इस्लाम के तीन मरहले बताए गए। पहला मरहला तो वो था कि खुफिया तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग की जा रही, यानी अलग ऐलान नहीं की जा रही। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कुरान पाक में कि आप अपने कराबतदारों को, करीबी लोग हैं उनको जो है दीन इस्लाम का, दीन इस्लाम की दावत दीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुरैश को दावत दी। रिवायतों में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दावत मुनक्किद की खाने की, तमाम कुरैश खानदान वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और आने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह पाक से डराता हूँ, दीन की तरफ दावत दी। उनमें से कोई जो है वो राजी न हुआ सिवाय अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बहरहाल आलम यह था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाने को फरमा रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ के कह रहे हैं क्या मैं उनसे कहूँ कि मेरे पीछे से पहाड़ के लश्कर आ रहा है तो तुम्हें मार दे, तो मान लो कि लोगों ने कहा मान लेंगे। तो कहा कि मैं तुम्हें एक रब की इबादत की तरफ बुलाता हूँ, तो लोगों ने उसका इनकार कर। तो पता चला ये हकीकी जो इल्म था, जो हकायक का इल्म था, जो हकीकी इस्लाम था, बुक्स उनके अंदर उस चीज़ का, वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले भी एक बात कही उस पर ईमान लिया, उसे मानने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब इस्लाम की बात आई, जब दीन इस्लाम पर ईमान लाने की बात आई, तो उसी नबी को अबू जहल हो अबू लहब इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो पता चला कि जो लोग इस्लाम से मुनहरिफ हैं आज इस्लाम की बात नहीं मानते, उन्हें दाढ़ी से तकलीफ नहीं है, उन्हें बुरके से तकलीफ नहीं है, वो तो उनके जवाब भी रखते हैं, चेहरा तो उनकी औरतें भी ढकती हैं, तकलीफ इस्लाम के नाम से। और ये तकलीफ बातिल को हक से एक ज़माने से नहीं। अभी एक शख्स थे टीचर, तो उन्होंने कहा ग्रेविटी होती है कि नहीं होती, तो हमने कहा ग्रेविटी का इस्लामिक थ्योरी के अतबार से नहीं होता है, तो बहुत सारी बातें कहें कि आपकी बातें सब सही लेकिन मानेंगे नहीं, क्योंकि आप जो है वो कह रहे हैं कि एक इस्लामिक थ्योरी। तो पता चला कि बात हक भी हो तो जो अंदर का बुक्स इनाद लोगों में भर दिया गया है दीन इस्लाम के खिलाफ, उस बुनियाद को वो नहीं मानते कि ये इस्लाम का रुकन है, हमें इसलिए नहीं पसंद किया जाता, हम मुसलमान हैं, हमारे अखलाक अच्छे भी हों तो हमें पसंद नहीं किया जाता इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हमारी बातें नहीं मानी जाती कि हम मुसलमान हैं। आज इस्लामिक थ्योरी की आप क्या समझते हैं, जो लोग इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं वो औरतों के हुकूम के अलग बता रहे हैं, वो उन्हीं के घर की बहनों को, उन्हीं के घर की बच्चियों को हमने देखा कि अपने माँ बहनों माँ को बाप को भाई गालियाँ दे रही, क्यों? वो पहले उन्होंने कहा कि हम लिबास छोटा पहनेंगे, पहले उनका बाप के साथ पिक्चर देखेंगे, पहले उन्होंने कहा कि हम हर तरह की आज़ादी माँ बाप को देना, माँ बेटियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। आज वही माँ बाप गाली सुन रहे हैं। अभी मैं दो तीन दिन पहले का वाक्य बता, उन्हीं माँ बाप को उन्हीं भाई बहन को गाली दी जा रही है, क्यों? इस्लाम चाहता था कि आपके अंदर बेशर्मी ना पैदा हो, इसलिए इस्लाम ने कहा कि पर्दे में रहो, इस्लाम ने कहा कि फहश चीज़ों से, गानों से वगैरह वगैरह चीज़ों से बचो। तो आपने कहा कि इस्लाम पाबंदी लगा रहा, लेकिन आज जब आप अपनी जात के ऊपर आएगा तो आपको बुरा लगने लगा। तो इस्लाम की जो मुखालफत है वो इसलिए नहीं की जाती वो खत्म नहीं की माजत, इस्लाम की मुखालफत इसलिए की जाती है क्योंकि दिल में बहुत सारा इस्लाम के खिलाफ भरा हुआ है, वरना कोई साले अकल से अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ ले तो ईमान लाएगा, और किसी के सामने असल इस्लाम पेश किया जाए तो हक खुद अपनी तासीर रखता है, हक खुद अपनी। अब कोई मनबड़ बच्चे होते हैं मनबड़, उनको समझाएंगे तो समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं आपका, भले सही है तभी नहीं मानेंगे। तो ये मनबड़ और ठीक किस्म के लोग दीन इस्लाम की मुखालफत करते हैं, वरना हक तो खुद में तासीर रखता है, खुद में खिंचाव रखता है, खुद में आकर्षण रखता है कि हर किसी के सामने पेश किया जाए तो दिल कहता है कबूल करो, लेकिन जो उनकी गंदी अकल है, जो उनकी गंदी सोच भरी हुई है वो इसकी इजाज़त नहीं देती। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वो लिबास बशरियत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा पाते थे, जब वो अब ये नहीं कि हम आम बशर उनको कहते हैं, अपनी तरह इंसान कहते हैं, इसलिए भेजा कि कोई उनको अल्लाह का बेटा न कहे, इसलिए भेजा लिबास बशरियत में कि हम उन्हें अल्लाह का समझें। शान तो बहुत बुलंद थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन जो शरई हुदूद है हमारे ऊपर, जो इतिकाद की हदें हैं, अकीदे की हद है, हम उसी हद तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानेंगे। अब कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा माने तो वो काफी हो जाएगा, दर्जे को मोहब्बत में माने, झूठी मोहब्बत में किसी चीज़ में माने। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों की सूरत में मबूस हुए, तो हमारी आप की तरह नहीं थे, शान तो उनकी बहुत बुलंद, लेकिन इंसानों की शक्ल में मबूस बनने का मकसद ये था कि
लोग जिसे मानूस होते हैं और वो उठा फरमाते हैं तस्वीर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असल हुस्न था उसके 70 हिजामात पड़े हुए हैं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुस्न के हिजामात उठा देते तो हमें ये ताब नहीं होती कि हम उनके उनका दीदार भी कर पाते, सहाबा इकराम उन्हें देख नहीं पाते। तो इसलिए अल्लाह पाक ने लिबास बशरियत में भेजा, उसने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजामात लगा के भेजे कि सहाबा इकराम उसे मानूस हो सकें, बैठ सकें, दीन इस्लाम सीख सकें, तब्दीली मराकिब जान सकें कि दीन इस्लाम कैसे आगे पहुँचाना। बहरहाल बहुत मुसीबतें झेली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नबी पाक सल्लम का फरमान है कि तमाम अंबिया ने दीन की राह में मुसीबतें उठाई लेकिन सबसे ज़्यादा मुसीबत खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की सलाम की तबलीग के लिए, हक के पैगाम की अलग बर्दाई के लिए ताइफ की वादियों में पत्थर मारे गए थे, सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया कि मुमकिन है कि ईमान ले आए, इनके आने वाली नस्लें ईमान ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में भी शरीक हुए। आज हम ना घर में बैठे मुसलमान हैं, आज हम ना फेसबुक पोस्ट करके फिलिस्तीनियों के लिए यहीं से मदद कर दे रहे हैं। मदद का जज्बा होता कि मुसल्ला के छाट को नमाजी बैठी हो, कुरान शरीफ ही पढ़ के दुआ करती होते अल्लाह पाक बता रहा हूँ। लेकिन हमारे हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो मानना है, वो मानने की तरह नहीं, हमारे नबी थे जो आलम के सरदार, फिर भी एक प्रैक्टिकल लाइफ जी और जंग की खंडत के मौके पर खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो साहबा इकराम के साथ लगे हुए, और इस तरह की बहुत सारी जंगें में जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शिरकत की, जंग फरमाई, कोशिश की, मेहनत की। जब मस्जिद की तामीर हुई उसमें खुद शामिल रहे। आज तो मस्जिद के सेक्रेटरी साहब हैं, मदरसी साहब हैं, मोहल्ले के लोग हैं, तो मस्जिद झाड़ू नहीं लगाएंगे, इमाम मौलवी साहब लगाएं, हम तो लगाएंगे शाम बैठे समझा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 लाख की उम्र में इरादे नबूवत फरमाया। कुफार ने बड़े जुल्म उठाए, आलम इन्नास ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला तहकते हुए कोयलों पर लिटा दिया जाता था और फिर ऊपर से भारी पत्थर रख दिया जाता जिसकी वजह से वो उठ ना पाते और उसकी पीठ की जल्दी पिघल के उस कोयलों को ठंडा कर, तब उनको वहाँ से उठाया जाता। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तब की रेत पर लिटा दिया जाता। फिर सिर्फ मर्दों पर भी जुल्म किया जाता, औरतों पर भी जुल्म। आपको पता कि दीन इस्लाम की सबसे पहले शहीद होने वाली एक खातून है जिनको पेट में नेजा मार के शहीद कर दिया गया। बहरहाल जब जुल्म ज़्यादा हुआ तो पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को कहा कि आप लोग हबशा एक जगह है उसकी तरफ हिजरत कर जाए। सहाबा हबशा की तरफ हिजरत करते रहे, फिर वो आया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 53 साल की उम्र में मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत कर। फिर नबी पाक एक ज़माना वो भी आया कि दोबारा मक्का शरीफ के मुसलमानों का कब्ज़ा था, दोबारा मक्का शरीफ के मुसलमानों का कब्ज़ा हुआ, उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों को माफ़ किया। तो बताना ये मकसद था कि जब कोई आपके मातहत हो तो आप उस पर रहम करें, उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, लेकिन कोई ज़ालिम हो तो आप अब हिकमत का झोला ओढ़ के ये कहिए कि उसके खिलाफ ना बोला जाए, ये कहिए कि गलत करता रहे, ताकतवर है तो उसके खिलाफ ना बोला जाए। अगर कोई जालिम है तो फिर उसके खिलाफ बोला जाए। हाँ, कोई आपके मातहत आ जाए, कोई मुल्क आपके मातहत आ जाए, कोई इलाका मातहत आ जाए, तब उस वक्त जिन्होंने गलती की है उनको माफ़ कर किया जा सकता है। लेकिन अगर वो मुकाबिल का है, बराबर का है या आपसे बड़ा है, तो डर और से उसके खिलाफ न बोलना, ये तो बुजदिली है जिसको आप हिम्मत का छोटा पैदा करें। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मक्का शरीफ तशरीफ लाए और सहाबा इकराम के जमे रफीक के साथ बड़ी तादाद के साथ तशरीफ लाए, लेकिन बदला भी लिया लोगों को माफ कर दिया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का एक अहम जो पहलू था कि जो मातहत आपके हों, जो आपसे खास हो, कोई गरीब हो, कोई कमज़ोर हो, उसको ज़्यादा कस के डांटा जाता है। रिक्शे वाला गाड़ी लगा दो तो खैर नहीं, बड़ी गाड़ी वाला लगा दो तो क्या, बड़े लोग मातहतों पर अपने रहम करने की तरीके से फिर उसके बाद नबीम ने मक्का शरीफ क्या ही फरमाया, मदीना की तशरीफ ले गए और 63 साल की उम्र में ज़ाहरी तौर पर मिसाल हो गया दुनिया से तशरीफ ले। तो ये मुख्तसर बातें थी आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखने पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इसलिए पढ़ें कि उस इंसान के एहसान इंसानियत में आप कहेंगे कि हम तो दूसरे बहुत सारे धर्म ऐसे पैदा हुए जिन्होंने इंसानियत की बात की,
और इन्होंने क्या की इंसानियत की बात की, खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ और भी तरह तरह की बातें। तो लोग कहते हैं कि आज भी तो इस्लाम से बेहतर ज़ाब्ता इस्लाम बनाया जा सकता है माजर, ये अलग बात है। तो इस्लाम से अबतरी और कोई धर्म कोई मजहब इस्लाम के मुकाबले नहीं हो सकता, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इतिहादी लिहाज से हमारी इस्लाम फरमाई है, हमारे अकायद की जो इस्लाम फरमाई है, दुनिया का कोई ज़ाब्ता इस्लाम, दुनिया का कोई कानून उस एतबार से हमारी जो है तरबियत नहीं कर सकता। एतिकाद मतलब अकीदा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ लाए तो लोग सबके सामने सजदा किया करते थे, काबा शरीफ में बुत रखे हुए, बुतों की पूजा करते थे और खुद वो बुत बनाते मिट्टी का आटे का और खुद फिर उसको तोड़ के अपने इस्तेमाल में ले आते। तो आलम ये था कि सिर्फ अखलाकी तौर पर नहीं, जो सोसाइटी थी हमारी जो समाज था वो एतिकादी लिहाज से भी बस्ती का शिकार था, यानी जहनी लिहाज जहनी एतबार से हम उनको खुदा मानते थे, हम बातिल खुदाओं की इबादत करते थे। जो सोसाइटी थी हमारा समाज था बातिल खुदाओं की इबादत करता था, झूठे खुदाओं की इबादत करता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ज़ाब्ते इख्लाक किए तो वो हो सकता है कोई इस्लाम का कॉपी करके जो है वो कहे कि हम भी दे रहे हैं ज़ाब्ते इख्लाक, लेकिन जो इतिहादी इस्लाम वो सबसे मुहिम चीज़ है, वो सबसे अहम चीज़ है कि कोई कितना भी दिल भर सजदे में पड़ा रहे, वो दिल भर इबादत करता रहे, लेकिन अगर उसका ईमान नहीं दुरुस्त है तो फिर उसके आमाल जो है वो काबिले कबूल नहीं। तो जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारी अखलाकी पस्ती को दूर फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को बेटियों के हुकूक दिलाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो रेस चली हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को जिंदा धड़कों रोने से बचाया है तो अब ये क्या करेंगे, अब बेटियों को हम एकदम आज़ाद कर देंगे, तो जैसा चाहें लिबास पहने जैसा चाहें जो करें। लेकिन एक फाउंडेशन होना एक पाबंदी होना ये इंसानों के लिए ज़रूरी है। कोई मुल्क कोई देश कोई इंसान अगर बगैर फाउंडेशन के होगा तो फिर वो या तो तबाह हो जाए और मुमकिन है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता। आज उसको ऐसा मुल्क ही नहीं बना जहाँ कोई कानून ना हो। तो एक हद हो गई है कि दीन इस्लाम में सबके लिए औरत को मर्द को आज़ाद नहीं कर दिया कि औरत पे जुल्म करे, मर्द को आज़ाद नहीं कर दिया कि औरत के साथ जैसा चाहे वैसा सलूक कर दी। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुझे तो बेदार सकते हैं कि अपने औरतों और गुलामों के बारे में अल्लाह पाक से डरना, उन पर जुल्म ना कर, मेरे बाद उन पर जुल्म ना करना, ये नहीं कि तुम मेरे अगर तुमको उन पर हाकिम बनाया गया है तो मेरे बाद उन पर जुल्म कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुकूक जिक्र किए दीन इस्लाम के हुकूक, मर्द के हों औरत के हों माँ के हों बाप के हों सबके हुकूक उन तक पहुँचाने। तो अब दीन इस्लाम से रेस करने वाले लोग चाहते हैं थोड़ी और ढील देती है थोड़ी और छूट दे दिया जिसकी बुनियाद पर क्या हो लोग उसको मजीद पसंद करेंगे। लेकिन अखलाक अच्छे बनाए जा सकते हैं लेकिन जब तक इतिहाद अच्छा ना हो, जब तक अकीदे अच्छे ना हो, जब तक आप खुदा वाहिदुल्लाशरी एक खुदा की इबादत ना करें, जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल ना माने, उनके सबसे नबूवत पे अकीदा और जो भी दीन इस्लाम में आए अकीदा उन्हें कहते हैं कि इस्लाम में हर चीज़ को मानने की हद, फरिश्तों को इतना मानो, अब नबी को आप खुदा नहीं मान सकते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप खुदा नहीं मान सकते, फिर नबियों को तमाम महबूब से अफसर जानो, किसी सहाबी को आप किसी नबी के बराबर नहीं बता सकते, किसी गैर को तो एक हद बनाया एक फाउंडेशन बनाया कि दुनिया की चीज़ों के बारे में हमें ये अकीदा रखना, कोई मदद कर रहा है तो अल्लाह पाक की इज्जत से कर रहा है, उसकी इजाज़त से कर रहा है, कोई खुद से मुख्तार नहीं। इंसान अगर खुद से अपने आप को मुख्तार समझे कि हम ही सब कुछ हैं अल्लाह पाक की मर्जी कुछ नहीं है, फिर आलम बुजुर्ग हैं। कई बादशाह ऐसे जिन्होंने एक बादशाह के बारे में आता है कि उसने कहा कि एक शख्स को बुलाया कहा तुम मेरा अकीदा रखते हो कि मैं बहुत बहुत ज़िंदगी दे सकता हूँ, कहा नहीं मैं ये अकीदा नहीं रखता हूँ, मैं ये अकीदा रखता हूँ कि अल्लाह पाक बहुत बहुत ज़िंदगी दे। अब बादशाह के जरिए कुमार चढ़ा था वो अल्लाह पाक को मानने वाला नहीं था, तो उसने अपने उसको बुलाया कैदी को और उसकी गर्दन कटवा दी, बुला दे मैं मौत दे सकता हूँ। तो अगर इंसान के अकायद ये भी लामहदूद हो जाए, इंसान की पेशानी की जो फाउंडेशन था वो भी हर जगह झुकने लगे हर जगह कम होने लगे तो दुनिया को जुल्म पड़ जाए। तो आप अखलाकी कदरें तो ठीक हो सकता है कर लें, लेकिन एतिकादी कदरें ये दामन इस्लाम से वाबस्ता होने के बाद ही जो है दुरुस्त होते हैं, क्योंकि इस्लाम के मुखालिफिन हो इस्लाम की मुआनिदीन हो ये अपनी कलबी हवासत दुनिया के लिए इस्लाम की मुखालिफत कर रहे हैं। अगर वो दीन इस्लाम पढ़ते तो जानते हैं कि इंसानियत कहाँ की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से दुनिया से
जहालत को, जुल्म को, बर्बरियत को खत्म किया। जुल्मा से पूरी दुनिया खुश की जाए। जुल्मा फरमाते सिर्फ 17 अपराध पूरे अरब में पढ़ना लिखना चाहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की इंकलाब करवाया। तकरीबन 1,00,000 सहाबा इकराम के हाथ में कलम थमाई। आप क्या समझते हैं कि इस्लाम जिन्हें साइंसी हुकूक का, दुनिया के हुकूक को रोकने वाला है, हमारे मुसलमान तसानीफ मौजूद है? तो बहरहाल इस्लाम आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आपके लिए सहमत। आप ये न समझे कि इस्लाम हमारे ऊपर एक भारी पत्थर है, जिन इस्लाम हमारे लिए सहमत। तो आज की नौजवान नस्ल को बेटियाँ उनको ऐसा महसूस होता है कि हम किसी कैद व बंद की पाबंद है। आप ये इस्लाम हमारे पैर में किसी बेटी का नाम है, आज में कहीं हथकड़ी का नाम है, ऐसा नहीं है। आप दिन इस्लाम को आपको सीखा नहीं, आपको समझा नहीं। आप तो ये समझते हैं कि साल भर में इलाज कैसे ज़रूरत इस थी कि हम पाक सदन के सीरत को दीन इस्लाम के दर्ज को बढ़ा दी जाए और दुनिया में भी उसको आम करने की कोशिश की जाए। आपके अखिलाफ हम आपके किरदार को गवाही दें कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वरना स्टेटस बदल सच्चा मुसलमान को सच्चा इकबाल निकाल था कि ये शहादत है ऊपर कदम रखना है। लोग आसान करते हैं मुसलमान को। अल्लाह पाक हमें